राणा साहब सलाम अलैकुम, बुरेवाला। जी जी, राणा साहब बुरेवाला जी। जी जी बिस्मिल्लाह। सर मेरा बेटा है मोहित अमजद। मोहित, आप टेलीविजन बंद कर देंगे? पहले राणा साहब टेलीविजन बंद करें जरा। लो सर ठीक। और सर वो अब नाम बताओ, बेटे का नाम बताओ। मोहित अमजद जी। मोहित अमजद, अच्छा जी। वो सर मैं पहले पढ़ता था, पढ़ाई में भी कामयाब नहीं हुआ, फिर वो उसको काम में लगा दिया। कोई भी काम लगाते हैं कामयाबी नहीं मिलती उसको। हमने डिप्लोमा भी करवा दिया लेकिन किसी बात पे कामयाब नहीं हो रहा। क्या इसके नाम में कुछ मसला है या क्या बात है ये हमारी कुछ? मोहित कितनी उम्र का है ये बताइए राणा साहब। तकरीबन 22 का है। 22 साल के उम्र में तालीम कितनी हासिल की उसने? तकरीबन 22-23 साल का था लेकिन 9वीं से भाग गया। 9वीं से क्यों भाग गया था? बस कमजोर था पढ़ाई में, यानी कि उसके बाद उसने डिप्लोमा कर लिया। डिप्लोमा उसको करवाया आर्मी स्कूल से, सियालकोट से। अच्छा, तो वो कर लिया उसने? जी वो भी होगा मुकम्मल। हाँ जी हो गया। किस चीज में डिप्लोमा किया? ऑटो इलेक्ट्रीशियन, मोबाइल कंप्यूटर कारोबार जी। तो अब वो क्या कारोबार करना चाहते हैं मुझे ये बताओ। सर अभी भी काम तो वो कर रहा है इधर दुकान पर लगाया हुआ बुरेवाला में, लेकिन कामयाबी या कोई ऐसी वैसी कोई कुछ चांस नजर नहीं आ रहे, बस इस बात से परेशान है। अच्छा, राणा साहब हमारे साथ थे और अपने बच्चे का जिक्र कर रहे थे कि वो 9th में चला गया, फिर उन्होंने उसको डिप्लोमा कराया, वो डिप्लोमा जो था उसने कर लिया या कर रहा है, अभी कर लेगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन बच्चा जो है जिसने 9th में एजुकेशन डिसकंटिन्यू की हो और आगे जाके डिप्लोमा किया हो, तो मैं इस बात पे फिर गुमान अच्छा करता हूँ कि वो मैट्रिक भी कर सकता था अगर उसको डील अच्छा किया जाता। क्योंकि वो आगे पढ़ा है तो उसने बगावत तो नहीं जाहिर की, जाहिर है हालात की वजह से उसने कोई ना कोई एक डिसीजन जो है वो लिया। इस बच्चे में एक ही बुराई है और वो बुराई ये है कि मिसाल दे रहा हूँ, ये मिसाल दे के बुराई समझा रहा हूँ कि आइसक्रीम बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आपको कोई रोज़ कहे कि 10 लीटर आइसक्रीम खानी है तो आपको उसी आइसक्रीम से नफरत हो जाएगी कि यार ये क्या मुसीबत है, जितनी मर्ज़ी अच्छी लग रही हो। सो सेंसिटिविटी बहुत अच्छी चीज़ होती है, मर्द को सेंसिटिव होना चाहिए, लेकिन ओवर सेंसिटिव होना ये सही बात नहीं है। ओवर सेंसिटिव है ये बच्चा, बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाता है। अमजद भाई जो है वो उसको क्योंकि नाकाम 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 कह रहे हैं, वो दिल छोड़ देगा। थोड़ा सा हौसला करें, बच्चा छोटा है, 22-23 साल का बच्चा है, इसको काम करने दें, जमने दें, हाथ खुलने दें, फिर अल्टीमेट सिनेरियो में इससे कहिए कि ये दो चीज़ें करे, एक अल्लाह का नाम है या जल जलाले वल इकराम, ये पढ़ा करे। ये बुजुर्गी का नाम है और जब बुजुर्गी इंसानों पे अल्लाह उतारता है तो वो रिस्क की सूरत में है, या जल जलाले वल इकराम। दूसरा सूरह इखलास जो है वो पढ़ा करे, अल्लाह इसको कामयाब करेगा। और जब ये काम सीख जाए अमजद अच्छी तरह, यानी कि साल दो साल गुजार ले, फिर इसको कहना कि ये मिडल ईस्ट की तरफ जाए और वहाँ पे जाके अपने मुकद्दर को आजमाए, अल्लाह इसको आसानी भी देगा और कामयाबी भी देगा इंशाल्लाह।